रामलीला मैदान, ये वही जगह है जहां से निकलकर अरविंद केजरीवाल ने देश की सियासत में कदम रखा था। ये वही जगह है जिस जगह ने उन्हें सीएम की कुर्सी पर बिठाया। तब उन्होंने भ्रष्टाचारियों को अंदर करने की बड़ी बड़ी बातें कर अपनी सरकार बनाई थी। और आज का वक्त है जब इसी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल के लिए मेगा रैली आयोजित की जा रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, केजरीवाल उस रैली में नहीं रहेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार के उस शिकंजे में वो खुद ही फंस गए हैं। शराब घोटाले में ईडी का सामना कर रहे दिल्ली के सीएम के समर्थन में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। इसी के चलते दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया गठबंधन ने मेगा रैली का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी महारैली। इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, जो लोग भी संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोग भी इस लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे सामाजिक संगठनों के हों, चाहे व्यापारिक संगठनों के हों, जो लोग भी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो। दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने इस रैली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये रैली अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए है। 31 तारीख को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की एक महारैली होगी। ये महारैली आम आदमी पार्टी की नहीं, अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट की नहीं, ये देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए महारैली है। किस लिए? क्योंकि आज विपक्ष पे एक तरफा हमला हो रहा है। आज विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला जा रहा है। बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले के आरोप में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त वो ईडी की रिमांड पर हैं। उन्हें शराब घोटाले से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ता दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया के नेताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए 31 मार्च का दिन तय कर लिया है।